नीतीश कुमार बदलने वाले आदमी, आज इधर कल उधर, कल इधर कब उधर, इनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। नीतीश कुमार जी की जान को है खतरा? किससे है नीतीश कुमार की जान को खतरा? और कौन बता रहा है कि नीतीश कुमार की जान को है खतरा? देखिए आज की सुनी सुनी में। आज इनको लग रहा है कि लालू यादव का साथ देखकर या कांग्रेस का साथ देखकर वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना बंद कीजिए। बीजेपी के नेता मोदी जी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की जान को है खतरा। ये नीतीश कुमार एक ऐसी नाव पर सवार हो रहे हैं जिसमें छेद ही छेद है, ये कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। सुना आपने, मोदी जी नीतीश कुमार का खतरा डालना चाहते हैं, वो नीतीश कुमार को बचाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार उस नाव में बैठे जिसमें छेद ही छेद हैं। ये नीतीश कुमार एक ऐसी नाव पर सवार हो रहे हैं जिसमें छेद ही छेद है, ये कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। अभी देखा आपने कि राजस्थान में क्या हुआ, जहां 5 वर्षों से उनकी सरकार है, सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है, तो ये तो डूबता हुआ जहाज, इसको कोई बचा नहीं सकता। तो नीतीश इसके खेवनार बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो तो डूबेंगे, नीतीश जी आप भी डूबेंगे। मोदी जी को सिर्फ नीतीश कुमार की ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की भी चिंता सता रही है। वो नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों की तरह डूब जाए। अरविंद केजरीवाल दो दो मंत्री जेल में हैं, उनके सत्येंद्र जैन 1.5 साल से जेल के अंदर बंद भ्रष्टाचार के आरोप में, मनीष सिसोदिया 3 महीने हो गए अब तक, उनको कोर्ट से बेल तक नहीं मिल पाई। लालू यादव जी के परिवार का भी नाम ले रहे हैं मोदी जी, मुझे तो लग रहा है मोदी जी को पूरे देश की चिंता सता रही है। तो ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी और तेजस्वी यादव, सीबीआई, ईडी, मुकदमे, बेल, ट्रायल, तो जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं वो एक होने का प्रयास कर रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। मोदी जी नीतीश कुमार को एक अच्छा राजनेता बनाना चाहते हैं, वो नीतीश की हर तरीके से मदद करते हैं, उनको हमेशा नीतीश कुमार की चिंता सताती है। वो कहते हैं अभी तो नीतीश अनंत सिंह की वजह से जीत गया, आगे क्या होगा। तो नीतीश कुमार बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं, अभी क्या हुआ बिहार शरीफ में, क्या हुआ सासाराम के अंदर, 3-3 बाई इलेक्शन हुआ, 2 बाई इलेक्शन हार गए और 3रा बाई इलेक्शन जो जीते वो अनंत सिंह के कारण जीते, न कि कोई जनता दल राजद के कारण जीते। तो बिहार में अगर आप 44 सीट पर सिमट जाते हैं, बिहार में 1 बाई इलेक्शन ठीक से जीत नहीं पाते हैं, तो आप देश का नेतृत्व तो करेंगे, देश के दलों को एक करेंगे, कौन आपको स्वीकार करेगा, कोई आपको स्वीकार करने वाला नहीं। और क्या क्या बोले मोदी जी आगे सुनिए। कि ये लड़ाई एक और नरेंद्र मोदी है, दूसरी ओर भ्रष्ट दलों की एका है, उसके बीच की ये लड़ाई होगी। क्या एक तरफ भ्रष्ट दल और दूसरी तरफ मोदी जी, तो फिर ये कौन से मोदी जी हैं? आप ही बता दीजिए कमेंट करके, मैं तो कंफ्यूज हो गया।